हमारा नौजवान अपने पैरों पर खड़ा हो, वो रोजगार पाने वाला नहीं रोजगार देने वाला बने। इसी उद्देश्य के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को एक सपना भी दिखाया और ऐसी पहल भी की जो अब तक की सरकारों की सोच से भी बाहर थी। युवाओं में उद्यमशीलता को प्रोत्साहन देने के लिए पीएम मोदी ने की स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत। विरोधियों ने पीएम मोदी की इस कोशिश की मजाक उड़ाई, मगर अब साल दर साल स्टार्टअप के आंकड़े ऐसे लोगों के गाल पर तमाचा जड़ रहे हैं। आप भी सुन लीजिए, साल 2019 में भारत ने 1300 स्टार्टअप शुरू किए हैं। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि इसने भारत को स्टार्टअप के मामले में दुनिया में तीसरे पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। इन स्टार्टअप की वजह से 2,00,000 से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नौकरियां भी पैदा हुई हैं। बीते 5 सालों में मोदी सरकार के दौरान भारत में टेक स्टार्टअप की संख्या 8,900 से 9,300 तक पहुंच गई है। नैसकॉम ने भी इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के 10 साल के भीतर 10 गुना रफ्तार से बढ़ने का अनुमान लगाया है। वहीं यूनिकॉर्न्स की संख्या 17 से बढ़कर 24 हो गई है, यानी 7 यूनिकॉर्न्स की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जिस तरह से मोदी सरकार में लगातार देश का आर्थिक ढांचा सुधर रहा है, अब वो दिन दूर नहीं जब पीएम मोदी का देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में ले जाने का सपना भी साकार हो जाएगा।